100% of fresh chewing gum presents Comedy Circus Ke Ajoobe. आज यहाँ इधर का माल उधर, इसकी टोपी उसकी सर हो जाएगी, एक के फटे में दूसरी की टांग फंसाई जाएगी, क्योंकि आज हमारे जजेस यहाँ करवाना चाहते हैं हेरा फेरी, इसीलिए आज तिकड़ियों में होगी अदला बदली, एक तिकड़ी का पार्टनर दूसरी तिकड़ी में जाकर करेगा कॉमेडी की धांधली। बॉर्डर पर होती है सैनिकों की फाइट, लेकिन आज वहां पर लगेगी शांति की लाइट, कैसे चलिए देखते हैं। कॉमेडी की हेरा फेरी करने पहली बार मंत्रा के साथ आ रहे हैं सिद्धार्थ जाधव, सो प्लीज वेलकम मंत्रा, सिद्धार्थ जाधव एंड राजीव मेहरा एज सोल्जर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। अरे तेरे को मैं हमेशा से बोलता आ रहा था, साथ मिलकर रहेंगे, हाथ मिलाकर तो नाचते गाते रहेंगे, वरना मुंह के बल गिरने वाले थे। यार सुबह सुबह तो उपदेश देने लगा, तू आराम से नहीं बैठ सकता क्या? अरे तुम लोगों से हमारा आराम कहाँ देखते बनता है यार। देख फिर से शुरू हो गया। अच्छा अच्छा, तू हर बात पे रूट ना जाया कर यार। अच्छा सुन, क्या मिठाई खाएगा? मिठाई? हाँ, बॉर्डर पे कहाँ से है मिठाई? अरे जब बॉर्डर पे तेरे जैसे फीके लोग आ सकते हैं तो मिठाई क्यों नहीं आ सकती जी? और देख मैंने तेरे लिए यहाँ पर बढ़िया सी एक दुकान खोली है, वो भी मिठाई की। बोल राजा, तेरे भाई ने दुकान खोली, बोनी नहीं कराएगा? भाई ने दुकान खोली तो भाई तो जरूर आएगा। खाना बता क्या खाएगा, बोल। एक काम कर, मुझे खोए की बर्फी खिला दे। खोए की बर्फी खाएगा? रुक जा, तेरे लिए स्पेशल खोए की बर्फी, खा के देख। क्या बात है भाई। अरे ये तो बासी है। अरे तो खोए की बर्फी है, दो महीने पहले खोए थी तो बासी तो हो ही जानी थी भाई। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, क्यों परेशान हो रहा है? यार मेरी समझ में आ गई बात, तू बासी मिठाई खिला के मुझे मारना चाहता है। अरे हिम्मत है तो दो दो हाथ करके देख। अरे हर बात पर लड़ने पिटने की बात करने लग जाता है तू। अरे मेरा मूड नहीं तेरे साथ लड़ने का। तो बॉर्डर पे काहे के लिए आया फिर? अरे बॉर्डर पर तो मेरे को लगा था वो सन्नी देओल, सुनील शेट्टी बढ़िया बढ़िया डायलॉग मारते हैं, मेरे को सुनील शेट्टी बहुत पसंद है। दाते माया मा, मेरे माँ का कुछ हो जाए। यार वो तुम्हारा सन्नी भी अच्छा है, सन्नी सन्नी बाजी हमारा। हाँ, वो गदर में हमारे इधर आया था ना, सारे मुल्क के हैंडपंप उड़ा के लेके गया। अभी हर घर में नलका उसकी वजह से है। यार लेकिन एक बात बोलूं, बोल। हम क्यों उस जंग के चक्कर में पड़े? हाँ। कोई बीच का रास्ता नहीं है क्या? अरे इस बीच के रास्ते के चक्कर में ही तो इतने सालों से हम यहाँ बीच पे खड़े जंग लड़ रहे हैं यार। यार मेरे पास एक आइडिया है। बोल। ये जंग खत्म करने के लिए क्या करते है? बोल। तू खाना बनाता है? हाँ बनाता है। मेरे लिए टिफिन लेके आ। नया। सोच यार, तेरे मुल्क का खाना मेरे मुल्क के लोग खाएंगे, यार भाईचारा क्या बढ़ेगा। यानी तू पकाएगा और मैं खाएगा। हाँ। रे बावड़ो जैसी बातें मत कर, हम बढ़ाएंगे और तुम खाओगे। हाँ। तो इसमें नया क्या, वो तो अभी भी यही हो रहा है। यार तू ऐसी बातें मत करा, फिर YouTube पे वीडियो देख के लोग झगड़ा करने लगते हैं। अच्छा, तो भाई YouTube पे देखने वालों लाइक करो, फाइट ना करो। हाँ। लेकिन बात बोलू। बोल। पैसे कितने लेगा? अरे खाना हम खिला रहे, पैसे तो तुझे देने पड़ेंगे। पैसे तो नहीं देंगे, वो तो अपना अंडरस्टैंडिंग है ना यार। अरे मेरा भाई, अंडरस्टैंडिंग ही तो नहीं रही दोनों मुल्कों के बीच में, वरना तो हम साथ में मिलकर खा रहे होते है कि नहीं? अरे भाई कौन है साले, तूने अबे तूने फिर से अपना रंग दिखा दिया ना, बता दिया तू कौन है साले, तेरे को बोला था ऐसा मत कर, अच्छा नहीं होगा। अच्छा नहीं होगा। क्या अच्छा नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा तुम दोनों मुल्क आपस में क्रिकेट खेलना बंद कर दोगे और क्या, लेकिन दो तीन साल बाद कोई ना कोई ट्रेन या बस शुरू हो जाएगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। रे साले कुंग फू पांडा, हमारे पीठ पीछे घोड़ी तू चला रहा था। हाँ, और तू मुझे दोष दे रहा था। हाँ तो तेरी गलती है।
कितने साल हो गए तेरे को बताते बताते कि दो भाइयों की लड़ाई में तीसरा ही फायदा उठाता हमेशा। हमने तुमको चारों तरफ से घेर लिया है। अरे चॉपस्टिक अपने आप को देख, तूने अपने आप को चारों तरफ से घेर रखा है। ए चिकन गुनिया, मेरे लिए एक हक्का नूडल लेके आ। ए तुम लोगों की मांगने की आदत नहीं गई। अरे हम कुछ मांगते नहीं, सब कुछ है हमारे पास, सुई से लेके जहाज तक सब है हमारे पास। लेकिन चेक करना, नीचे स्टंप हमारा है। यार को इसका भी स्टैंप चेक करा, सारा हर एक्ट में नल्ली हरकतें करता है। ए साले तू भी हमारी प्रोडक्शन है सस्ते डेनी। ए और क्या, तुम हमें जानते नहीं, हमारा बच्चा बच्चा सैनिक ट्रेनिंग लेता है। हाँ, और वो सैनिक ट्रेनिंग सुहागरात के दिन दिखाता है, क्या अंधाधुंध फायरिंग करता है। अबे अपनी जनसंख्या संभालो, फट जाओगे, बच्चे तो ही अच्छे। यार तू फिर से शुरू हो गया यार। अरे ए जब दो बड़े मुल्क बात कर रहे हो, छोटे मुल्क बीच में नहीं बोलते हैं। इधर देख जरा, हट तेरी ऐसी की तैसी। साले जब दो भाई आपस में बात कर रहे होते हैं तब बीच में नहीं बोलते। ए तू लड़के मरेगा कि ऐसे ही मरेगा। खबरदार, अगर मेरे मुल्क के बारे में कुछ कहा तो आके निकाल के फोड़ दूंगा। ए तेरे मुल्क की नहीं, मैं उसके मुल्क की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अबे साले 10 रुपए के छोटे रिचार्ज जैसी आंखों में तू हमारे मुल्क की तबाही के सपने देख रहा है। अबे हिंदुस्तान को गौर से देख, गौर से, बहुत बड़ा है, ये आंखें छोटी पड़ जाएंगी। कहो हाँ। सही कहा मेरे दोस्त, सही कहा। हाँ तो गोली मार दे इसे। मार दे गोली। गोली नहीं मार सकता। क्यों? अरे ये बंदूक इससे ले लिए। क्या ये बंदूक बेच रहा था, 1 पे 3 फ्री। हम लोग बंदूक लिए, बंदूक लिए, बंदूक लिए, बंदूक ले, गोली लेने के लिए पैसे ही नहीं बचे। साले तेरे चक्कर में हम भी बर्बाद हो गए। तू मार गोली। अरे सारी बंदूकें तो तूने ले ली, और हमारा भी तो माल यही सप्लाई करता है। 1 ड्रम गोली पे 3 ड्रम गोली फ्री मिल रही थी, हमने भी गोली गोली ले ली। मेरे पास केवल गोली है, मेरे पास केवल बंदूक है भाई। ये ले बंदूक, ये ले गोली, तो हम हो गए एक। इसको उठाते हैं फिर। एक मिनट, मेरी बंदूक नहीं चल रही। क्योंकि चेक करो इस पर लिखा मेड इन। लेकिन इस पे लिखा मेड इन इंडिया। अरे बावड़े, अबे गोली लग गई रे। मेरे को भी लग गए दोस्त। अरे भाई यार तेरे को मिठाई ना खिला पाया। अरे हो गया है रिश्तों का रंग बदरंग, चलो भुला दे अपने बीच की ये जंग। क्या तेरा वतन, क्या मेरा वतन, दोनों एक ही माँ के बेटे हैं। आज जरा गुस्से में अलग अलग मुंह करके बैठे हैं। लकीरें हैं तो रहने दो, किसी ने शायद रूट कर गुस्से में खींच दी थी। इन्हीं को बनाओ अब पाला, और आओ अब कबड्डी खेलते हैं। जजेस कैसा लगा आप दोनों को ये शांति का पैगाम? सुहेल, इट वाज ब्यूटीफुल। और हमेशा इस मंच पे, कॉमेडी के मंच पे ये जरूरी नहीं है कि अब हम हंसे या दिस लाफ्टर और जोक्स और गैग्स हो। इस पर्टिकुलर एक्ट में आपने देखा होगा कि मैंने और अर्चना ने कहा ताली नहीं मारी या वी डिडंट लाफ बिकॉज इसमें गैग्स नहीं थे, लेकिन वी हैड अ कॉन्स्टेंट स्माइल ऑन अ फेस कि हमको खुशी थी कि आज ऐसा एक्ट कॉमेडी सर्कस पे किया गया। सो विथ माई कमेंट आई वुड इवन लाइक टू गो अहेड एंड गिव यू गाइज अ ब्यूटिफुल 10 points फ्रॉम सुहेल। अर्चना, ऑनेस्टली मैं कहूँ तो इट वॉज स्लाइटली डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि ये कितना और बढ़िया हो सकता था। अगर इसी एक्ट में ह्यूमर होता तो देन इट वुड हैव बीन अ माइंड ब्लोइंग एक्ट। कहने को बहुत कुछ था। राइटर कौन है इनके? वंकुश। वंकुश, वंकुश। द राइटर वंकुश हैज अ लॉट टू से और बहुत कुछ कहा इसमें, लेकिन आई विश कि जो बाकी जो डिश थी उसमें जो स्पाइस चाहिए थे ह्यूमर का, गैग्स का, वो कम होने की वजह से मेरा जो मजा था वो किरकिरा हो गया। माय कंप्लेंट्स एंड हियर। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ राइटर ने बहुत स्वीटनेस से और सरलता से वो हकीकत बयां की जो एक्चुअली है। जब दो भाइयों के बीच में फूट होगी तो तीसरा आकर फल खा जाएगा, तो हम ऐसा ना होने दें। इस एक्ट ने हमें ये नसीहत दी है। फॉर दैट आई ट्रूली अप्रिशिएट दिस एक्ट। थैंक यू सो मच।
अर्चना, आप इस एक्ट को कितने पॉइंट देंगी? लाइक आई सेड, बिकॉज इट कुड हैव बीन far better, but it's a great 9 from me. 9 points from Archana. I would like to say something. Jo ek abhi bhi I was in fact talking to my family. My father's has jo apni act kiya iske bare mein. Abhi tak mujhe war samajh mein nahi aaya. क्यों और क्या? मतलब एक मोटा मोटा कि अभी तक मुझे वॉर या लड़ाई ये बॉर्डर समझ में नहीं आया है. एंड इट्स अ वेरी ऑब्वियस थिंग दैट आर्म्स एमिनेशन आर द बिगेस्ट बिजनेस. यू नो एवरी बुलेट दैट इज फायर्ड कॉस्ट 300 रुपीज. एंड कितने हजारों लाखों ये बुलेट्स दुनिया में कहाँ, सोमालिया में, बोस्निया में, जहाँ भी लड़ाई चल रही है. वन एयरक्राफ्ट कॉस्ट सो मच. सो द वॉर इज द बिगेस्ट बिजनेस. जो भी ये आर्म्स और ये जो एम्युनिशन बनाते हैं, इनको कहाँ ना कहाँ बेचना है. जो अनएजुकेटेड लोग हैं, जिनको ये समझ में नहीं आता, क्या उनको पहले पॉवर्टी जोन में डाल देते हैं और उनको वो रोटी या पाव या चावल नहीं देते, उनके हाथ में बंदूक दे देते हैं और बोलते हैं क्या जाओ लेके आओ. दैट्स व्हाई आई सेड एज जो आपकी रीच है कॉमेडी सर्कस की, हमने बहुत सारे ऐसे एक्ट्स देखे हैं कि हम हंसे हैं एंड वी हैव एंजॉयड आवरसेल्व्स, बट आई एम सो ग्लैड दैट इवन समथिंग लाइक दिस has been put forward in Comedy Circus to make people realize there is so much of meaning to Comedy Circus. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Sohail. एक एक्ट्रेस के लिए एक फिल्म की क्या कीमत होती है ये तुम क्या जानो सोहेल बाबू? ये तो श्वेता से ही पूछो. स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस श्वेता ऑडिशन देने गई है डायरेक्टर कृष्णा के पास. अब क्या क्या होगा उस अबला हीरोइन के साथ, चलिए देखते हैं. हंसी की फिल्मी धांधली लेकर पहली बार कृष्णा के साथ आ रही हैं श्वेता. प्लीज वेलकम कृष्णा एज अ फिल्म डायरेक्टर, श्वेता एज एन एक्ट्रेस एंड सिद्धार्थ सागर एज वेरियस कैरेक्टर्स. खैर सोहेल भाई से क्या देख रहे हैं, मैं कोई छोटा मोटा प्रोड्यूसर नहीं हूँ. 10-10 फिल्में फ्लोर पे है मेरी. ऐसा बोल बोल के मैं हीरोइनों को ग्राउंड फ्लोर पे ले जाता हूँ. और एक बार हीरोइन ग्राउंड फ्लोर पे आ गई ना, फिर पिक्चर रिलीज हो या ना हो बन जरूर जाती है. खैर बहुत सारी फिल्में बना नहीं पाया. हो जाता है, फिल्में बनाने में प्रॉब्लम आती है. होता है. आई कैन अंडरस्टैंड. मतलब कम से कम नहीं तो सोहेल भाई 100 से 150 फिल्में न बनाने का खिताब मिल रहा है मेरे को. काफी फिल्में ट्राई की मैंने. वैसे एक आध 2-4 फिल्में मैंने कुछ प्लान की थी सर, उसमें मैंने वो क्या बोलते स्क्रिप्टिंग की थी. एक तो थी सैया की नैया में पपैया, भूतनी का नाच गरम तवे पे, जलती भूतनी. अब आप लोग सोच रहे होंगे जलती भूतनी की, अब जब तवे पे नाचेगी तो जलेगी ना मेरे भाई. एक पिक्चर तो मैंने ओवरसीज के लिए प्लान की थी सोहेल भाई, केले और पपीते का मिलाप, कलिंगड़ करे विलाप. दिस वॉज प्योर वेज फिल्म, वेरी फ्रूटफुल फिल्म. इसके लिए मुझे एक बहुत ही जूसी हीरोइन की जरूरत थी. तो ऐसा एक फिल्म मैंने अगर बनाई सोहेल भाई, डिस्ट्रीब्यूटर लेने को अलाउड नहीं थे. कहते 3 मिनट की फिल्म हम थिएटर में कैसे चलाएं? तो उसका लिंक मैंने भेजा है आपको, अभी यूट्यूब पे आप देख सकते हैं. खैर एनीवेज ऑडिशन के लिए काफी लड़की आई हुई है. मेरा बॉय कहाँ चला गया मनोहर? हेलो. हेलो सर. सर हाँ, बाहर बहुत सारी लड़कियां आई हुई हैं सर. अच्छा तो सर एक आधी का ऑडिशन मैं ले लूं? बेटा ऑडिशन लेना है, एक्टिंग वैक्टिंग करवा के नहीं देखना. नहीं मेरा मतलब ऑडिशन मतलब पहले इंटरव्यू लेंगे ना हम लड़कियों का. हाँ तो सर कोई प्रॉब्लम नहीं सर, मैं उनका अंतर दर्शन कर लूंगा. अंतर दर्शन मतलब इंटरव्यू? अंतर दर्शन. बेटा तेरे और मेरे दर्शन में काफी अंतर है बेटा. बाहर जा और बिपाशा जैसी मस्त पापलेट को भेज. गो. 2 साल से नौकरी कर रहा हूँ, ना मुझे पगार मिली है ना किसी लड़की का ऑडिशन मिला है. मन तो करता है किसी ट्रेन के नीचे आके अपना अंतिम संस्कार खुद ही करवा लूं मैं. बहुत दुखी होता हूँ सर, मैं ओनली बॉय, ये करें एंजॉय. बेटा जब लाइनों में पंच नहीं होते इतनी सारी लाइनें बोलते क्यों होते हैं? अरे ढंग की लाइनें बोल. भाज भाज कोई ढंग की लड़की भेजो. भेजता हूँ. हाँ आज ऑडिशन लिया है. एक्सक्यूज मी सर, मैं अंदर आ सकती हूँ? सोहेल भाई बहुत टाइम बाद लड़की दी इन्होंने, कब तक सुदेश के साथ मैं करता रहूंगा. पहले मिली थी मौली दवे, उसके बाद सुमोना. बहुत 2020 खेल लिया, अब डायरेक्ट टेस्ट मैच खेलेंगे भैया.
अब है टेस्ट मैच की पारी, मुझे मिली है श्वेता तिवारी। कुछ गड़बड़ हो जाए तो पहले से ही आई एम सॉरी। हेलो हेलो सर। हाय सर, मैं आपकी फिल्म पलटू मजा के लिए आई हूँ ऑडिशन देने। मेरे डायलॉग्स क्या हैं? आपका एक भी डायलॉग नहीं मैडम। क्यों सर? आप फिल्म में गूंगी हैं। गूंगी क्यों सर? ताकि ऑडिशन देते वक्त आप चिल्ला ना सके। सर प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, मैं बहुत अच्छा डायलॉग बोलती हूँ। मैं यहाँ से यहाँ तक चलकर डायलॉग नहीं, चलना नहीं। अगले सीन में आपके पाँव बंधे हुए हैं। क्यों सर? ताकि ऑडिशन देते वक्त आप भाग ना सके। ओके सर, सीन क्या है सर? देखिए सबसे पहले सीन शुरू होता है दिन के 2 बजे। सर आप अंधेरे में बैठी हुई हैं। सर दिन के 2 बजे? अरे बड़े बजट की फिल्म है, पर्दे भी हमारे पास समझी। जब पर्दा बंद होगा तब अंधेरा होगा। वैसे मैं अंधेरे में बैठे किसका इंतजार कर रही हूँ? That is up to you. हमने हीरोइन को चॉइस दी जी कि वो किसका इंतजार करेगी किसका नहीं करेगी। आप समझ रही है ना कि नहीं समझ रही? नहीं, पहला ऑडिशन है क्या? हाँ सर। She is a debut girl. No worries, no worries. उसके बाद पीछे से 2 हाथ आएंगे। सर, अंधेरे में मुझे पता कैसे चलेगा कि पीछे से हाथ आ रहे हैं? एहसास से, एहसास से। नहीं, मुझे एहसास हुआ जैसे यहाँ मेरी जरूरत है। कहाँ पहुँचा सिंह? कहाँ पहुँचा? वहाँ पहुँच गए आप जहाँ पे अंधेरे कमरे में आपको बिठाया दिन के उजाले में। पीछे से हाथ आते। तुम्हें कैसे पता ये कौन सा सीन एक्सप्लेन कर रहे थे? मैडम इन्होंने बड़ी बड़ी हीरोइनों को दिन के उजाले में अंधेरे में रखा हुआ है। आगे का सीन मैं समझाता हूँ। आप दिन के उजाले में अंधेरे में बैठी हैं। आप बैठी हैं और पीछे से 2 हाथ आते हैं। जैसे ही 2 हाथ आते हैं आप पीछे मुड़ती हैं और देखती हैं बाहर पोपट खड़ा है। हट। पोपट? ये पोपट कौन है सर? बकवास करता है। पोपट हमारे हीरो का नाम है। ये ले चॉकलेट खा। क्या समझ गया? जा चॉकलेट लेकर आ, चॉकलेट। हाँ तिवारी जी, डरिए मत, डरिए मत सर। साले इतनी जल्दी चॉकलेट लेके आ गया। बाजू में खड़ा हो अभी। अब साले अगर तेरी रिंगटोन बजी ना, साले चार्जर फेल कर दूंगा मैं तेरा। सब कुछ भुला दिया इसने। मैडम हम कहाँ थे? सर आपका पता नहीं लेकिन मैं पोपट के साथ थी। फैंटास्टिक, दिस गर्ल इज माइंड ब्लोइंग। अब हम जिमी जिप चलाएंगे इसे। ये शॉट लगेगा आपका, आपका क्लोज, पोपट का क्लोज, आपका क्लोज पोपट का। पोपट आपके करीब आता जा रहा, आप पोपट के करीब, पोपट आपके करीब, और वो जैसी सहरा हटाता आप उसे देख के डर जाती है। सर मैं डर क्यों जाती हूँ? क्योंकि पोपट भयंगा है। पोपट जैसे आपके करीब आता है आप अपना हाथ उसके हाथ में देती हैं और फिर आप इमोशनल होके कहती, कुत्ते कमीने, तेरी ऐसी तैसी कर दूंगा, बहुत देखे तेरे जैसे बड़े बड़े। साले डायलॉग क्यों मार रहा है? सड़े सड़े हट। क्या बकवास कर रहा है तू? सर मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ। फिर ये बकवास कर रही थी। हाँ ये फ्रूटी श्रुति मेरे पास आई थी, टूटी फ्रूटी। अच्छा? हाँ, कहती मैं ऑडिशन देना चाहती हूँ। अच्छा? मैंने कहा सर अभी बिजी है, आप चाहें तो मुझे ऑडिशन दे सकती हैं। मैंने जैसे इनका ऑडिशन लिया, हाँ, थोड़ा सा इमरान हाशमी क्या गया, भड़क गई।
पता नहीं क्यों, और मालूम क्या, हाँ। आपकी तरफ इशारे करके गालियां मुझे देके चली गई। सर मैं भी चलती हूँ, मुझे ऑडिशन नहीं देना। अरे तिवारी जी, आप अरे जा, ये सिर्फ कपिल शर्मा के साथ चलेगी। चलो वहां इसको कुछ करना नहीं पड़ता। मैंने कहा थोड़ा बहुत करते हैं तो नहीं, मैं चली, मैं चली। बकवास करती सर, दिखा यार कुछ राब चंडूस। ऐसा माल दिखाऊंगा साहब, ऐसा तितली बुजली दिखाऊंगा साहब, राब चंडूस देख के टन्ना जाओगे। लो साहब माल देखो आप। गुड यार, शी इज फैंटास्टिक यार, भिजाओ यार इसको। अभी भिजाता हूं चंपा। वाह, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, क्योंकि मैं हूं फैंटास्टिक रोमांटिक और आप कौन है? मैं हूँ चंपा, वो लड़के के साथ अपनी फोटो भिजवाई थी ना। हट, ये फोटो में इतनी यंग, सामने सरिये पे लगा जंग। अरे ये तो कुछ हफ्ते पहले की फोटो है। कुछ हफ्ते मतलब? मतलब सन 1940 के हफ्ते की। ओह, इतनी पुरानी। You are too young यार, तेरे से भी पुरानी आ गई यार यहाँ पे। तेरी पिक्चर की कहानी क्या है पोपटराज? मेरी पिक्चर में कोई कहानी नहीं है, लेकिन मैं आपका एक सीन डलवा दूंगा। आपके नाक में रुई लगी, लोग रो रहे हैं। अरे हट, ऐसे रोल नहीं करने। ना किसी हीरोइन की सहेली का रोल करना है और ना ही किसी हीरो के माँ बाप का। मैं तो टू पीस पहन के डिस्को में जाना चाहती हूँ, टी शर्ट पहन के पूल में कूदना चाहती हूँ। टू पीस पहन के डिस्को और ये सब क्या उल्टा पुल्टा बोल रही हैं आप? औरतों की कृष्णा, बकवास बंद कर, बकवास बंद कर। बुढ़िया काहे को बार बार बुढ़िया कहता है, मेरा माथा सटकता है। मैं तब तक रहूंगी जवान जब तक है जान, जब तक है जान। मनोहर, अरे मनोहर को क्यों बुलाता है, वो आकर डिस्टर्ब करेगा। मैं चाहता हूँ कि मनोहर आकर मुझे डिस्टर्ब करे। मनोहर नहीं, मनोहर साहब, मैं किसी का ऑडिशन ले रहा हूँ। चले जल्दी आ, यहाँ ये मेरा ऑडिशन ले रही है। सोहेल, आपका बहुत मन कर रहा है ना पिक्चर बनाने का अभी? है ना? You know, this act started off fabulously. In fact, it started with a 10, it went on to a 12. I thought, Shweta, you are fabulous when you came in as the struggling actress. Okay, jo aapne kiya Siddharth as the boy. And Krishna, aapka to kuch, you are fabulous. Matlab, it was like watching a skit and we all were having fun. It was just a superb act. Thank you. Archana? Jo aapne sama bandha, wo jo audition hua, मतलब ऐसे ऑडिशन होने नहीं चाहिए, लेकिन कमाल का ऑडिशन था जो हमारे सामने आपने दिखाया। वेरी नाइस एक्ट। टाइम नाउ फॉर दिस कॉल। सो अर्चना, आप इस एक्ट को कितने पॉइंट्स देंगी? फॉर द फैक्ट दैट यू गाइस डिड व्हाट यू डिड इन द मिडल, 10 पॉइंट्स फ्रॉम अर्चना एंड सुहेल। आई एम गोइंग टू गो फॉर अ 10 टू 10 पॉइंट्स फ्रॉम सुहेल। सुरीले कपिल ने सुदेश को बना लिया है अपना संगीत गुरु, लेकिन जब एक शो ऑर्गेनाइजर आया उन्हें बुक करने, तो हो सकते हैं पंगे शुरू। कॉमेडी में म्यूजिक की हेरा फेरी लेकर पहली बार कपिल के साथ आ रहे हैं सुदेश। सो प्लीज वेलकम सुदेश एज गुरु, कपिल एज चेला एंड मुबीन एज अ शो ऑर्गेनाइजर। ਟੋਲਣਾ ਵੱਜੇ ਤੁੰਬੇ ਵਾਲੀ ਤਾਰ, ਸੁਣ ਦਿਲ ਦੀ ਪੁਕਾਰ, ਆ ਜਾ ਕਰ ਲਈ ਗਏ ਪਿਆਰ। ਟੋਲਣਾ ਆਪ ਸਭ ਕੋ ਪਤਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਹੋਗਾ ਮੈਂ ਗਾਇਕ ਹੂੰ। ਅਰਜਨਾ ਜੀ, ਆਪ ਸਭ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਝੇ ਗਾਣੇ ਕਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਾ, ਇਸੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੁਰਭਾਗਿਆ ਸਮਝਤਾ ਹੂੰ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਗਾਇਕ ਹੂੰ, ਆਪਕੋ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੋਗਾ ਮੈਡਮ, ਆਪਕੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਮੈਨੇ ਗਾਇਆ ਥਾ। ਹਾਂ, आपको याद है, मैं आपको याद दिलाता हूँ, जब मैंने गाना शुरू किया था उसके बाद आपने हारमोनियम छीन लिया था, फिर आपने चिल्लाया था कि घर में चोर घुस आया।
फिर आपने मेरा ही हारमोनियम बेच के टेंट वाले को पैसे दिए थे, याद है? अच्छा याद आ गया। उसके बाद हमारा खानदान नहीं जाता मड आइलैंड में कभी। मेरे को तो एक सब्जी वाले ने पहले ही वार्निंग दी थी, कहते उधर मत जाना कि मैडम बड़ी खतरनाक रहती है, सब्जी का भाव ना कम करो, पुलिस में बता देती है इसने छेड़ा है मुझे। ऐसे ऐसे आरोप लगाती है। मैं कोई आम सिंगर नहीं हूँ, 5 साल मैंने क्लासिकल की शिक्षा ली, लेकिन 5 साल में मेरे गुरु ने मुझे एक ही चीज सिखाई। मैंने गुरुजी से, गुरुजी आगे सिखाओ, कहते मैंने कहा आगे, कहते गुंगा था। मैं आज ना नए उस्ताद से सीखने आया हूँ, उस्ताद चेला राम जी, घर तो यही लग रहा है, मैं चेक करता जरा। टिंग टोंग रे बाजी गोजी पाओ। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका, मृदंग बाजे तिरगिट धूम, तिरगिट धूम दाधा, मृदंग बाजे तिरगिट धूम, तिरगिट धूम दाधा, नाचे ते झूम झूम दधई दधई दधा, झूम झूम जाना नाना, झूम झूम जाना, क्रांता क्रांता क्रांता, ठहर जा। वाह क्या गाना गाया आपने, लेकिन बीच में आप काफी जगह बिसरे हो रहे थे। मैं बिछड़ा हो रहा था। हाँ। मैंने सोचा था मैं प्लेबैक सिंगर बनूंगा आपकी फिल्म में। आप उस्ताद चला रहा? मैं आपने मेरी गायकी से मुझे पहचान लिया? और नहीं नहीं गायकी नहीं, आपके घर के बाहर नेम प्लेट लगी थी, मेरे को क्या पता आप कौन है, कौन है? देखो बेटा, ये उस्तादों से बदतमीजी आप कर रहे हैं, आपको कभी ऐसा नहीं देखना चाहिए, घर के बाहर जो नेम प्लेट लिखी है उससे नहीं अंदाजा लगाना चाहिए ये मालिक है या किराएदार है। अच्छा, ऐसे अर्चना जी के घर पे जो नेम प्लेट लिखी है, बाहर लिखा है मेजर गफूर। हाँ। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये है कि घर इन्हीं का है, नेम प्लेट जो मेजर गफूर के घर से बाहर चुरा के लाई है। कहते क्या फर्क पड़ता है, मेजर ही हटाना, गफूर तो मैं लगती हूँ। आप उस्ताद चेला राम ही है? हाँ भैया मैं वही हूँ। उस्ताजी नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने गाना नहीं गाया, मैं तो वैसे ही ऐसे मेरे मुंह से गाना निकल गया। नहीं 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 नहीं, मैं तो आपके चरण छू रहा था उस्ताजी। चरण छू रहे थे? हाँ जी। ओए हो, हमेशा ऐसे होता है, जहाँ पता चल जाता मैं आया हूँ लोग मुझे छुरी मारने को दौड़ते। मेरे को भी छुरी मारने का दिल कर रहा था जब आपने मेरे से पूछा कि कौन है तुम। भूल गए आप, मैंने आपको चिट्ठी लिखी थी, आपके दूर के रिश्तेदार पप्पू का मैं बेटा हूँ मास्टर। तू पप्पू का बेटा है? हाँ मास्टर जी। अरे तू इतना ज्यादा 30 साल में इतना बड़ा हो गया? मैं गुरुजी आपका शिष्य बनने आया हूँ। पहले कुछ सुनाओ, हम तुम्हारी परीक्षा लेंगे, ऐसे हम शिगिर्द नहीं रखते बेटा। थोड़ा दरबारी सुनाओ बेटा, थोड़ा गुस्ताखी माफ। साजी क्या हुआ? साजी सारी सेटिंग खराब कर दी आपने, क्या कर रहे हैं आप? उठिए, क्या हुआ? ठीक है ठीक है, लेकिन अभी तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी मुझे उठाने में। उठिए उस्ताजी, क्या कर रहे हैं आप यार, बैठिए। क्या हुआ उस्ताजी, मेरी आवाज में जादू नहीं था? ठीक है, लेकिन उतना जादू नहीं जो गाने में जादू होना चाहिए। मतलब जादू होता है गाने में? जैसे गाना कहीं पड़ा हो सुपरहिट, अपने आप प्रीतम के पास पहुंच जाता है। अच्छा, ऐसा जादू लाओ। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। एक तो पहले लेट आया, ऊपर से डायलॉग लेट बोल रहा है, थप्पड़ मारूं तेरे, जल्दी जल्दी पूछ क्या पूछ रहा है। ये चिल्लम चिल्ली करने वाले सिंगर लोग इधर ही रहते हैं क्या? चिल्ली चिल्ली किसको बोला, मार के मार कर नाक तोड़ दूंगा। तेरे को शर्म नहीं आती संगीत के इतने बड़े तांत्रिक से ऐसे बात करते गुरु, 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 गुरु से ऐसे बात करते? अबे तुम लोग मेरे को जानते नहीं हो, चरसवाड़ी का छटेला बदमाश हूँ मैं। सुबह घर से निकलते वक्त एक मर्डर, शाम को घर जाते वक्त एक मर्डर, और सुबह से शाम तक 20 मर्डर नहीं हुए ना तो अम्मा खाने को नहीं देती। टकला सलीम नाम है मेरा, टकला सलीम। लेकिन आप तो टकले नहीं है। नाम मेरा सलीम ही छे, टकला तो मैंने खाली डायरेक्टर को चिढ़ाने के लिए रखे है। तू मरेगा साले, एक सीजन नहीं किया डायरेक्टर से पंगे ले रहा है। अच्छा सुनो, क्या अभी ये बताओ, मैंने सुने ला कि तुम लोग लाइव स्टेज शो करते हो। लाइव कैसे? तू बोल दे करते हैं। अरे क्या बात कर रहे हैं आप, क्या शो नहीं करते हम लोग? आपको पता नहीं उस्ताद जी का जयपुर में शो हुआ, एक तरफ सोनू निगम दूसरी तरफ उस्ताद जी,
पब्लिक ने सोने का मुंह छोड़ गया उस्ताद जी की तरफ। अगले दिन पेपर में बड़ी बड़ी हेडलाइन कि बिना कपड़ों के उस्ताद जी पहुंचे स्टेज पे, नंगे गायक ने गाए बिसरे गाने। अरे गोलियां चल रही थी वहां पे, वो तो पब्लिक का प्यार है, परमात्मा का शुरू से सरस्वती माँ की कृपा है, हम लोग बच के आए, नहीं तो गोलियां चल रही थी वहां पे। अच्छा हुआ तुम दोनों बच गए। बचे कहां, हम लोग तीन लोग गए थे, दो ही वापस आए हम। अच्छा सुनो, मेरे को ना चरसवाड़ी में शो करवाने का है। अच्छा हाँ ठीक है, उधर क्या मैं चुनाव में खड़ा हो रहा हूँ। अच्छा हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग वहाँ पे इतना रापचंडू शो करो ना बैरिस्टर जी, कि मैं जब चुनाव में खड़ा हूँ तो पब्लिक खुश हो जाए और मेरे को पब्लिक जीता डाले। अरे यार, हम नहीं अगर लोगों को खुश कर रहे हैं तो हमें ही चुनाव पे खड़ा कर दो। हाँ। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग, रियाज करने दो हमको। सफेदी की चमकार बोलो। मैं ये पूछ रहा था कि तुम लोग एक बात बताओ, कितनी देर तक गा लेते हो? देखो कलाकार का मूड होता है, अगर तो मूड नहीं है हाँ, दो मिनट भी नहीं हम लोग गाते, मेरा दिल नहीं करता। लेकिन अगर महफिल जमी हुई है, वाह हो रही है, फिर तो पता ही नहीं चलता चार पांच मिनट कब निकल जाते हैं। समझ गया समझ गया। अच्छा ये बताओ, मैं तो चुनाव में खड़ा हो रहा हूँ और उधर पे ऑडियंस रहेगी 50,000। कितनी? 50,000। अरे कैसा चेला, 50,000 ऑडियंस का नाम सुन के ये कैसा दौरा पड़ गया इसको, क्या उस्ताद जी? अरे कैसे लोग है, अरे उस्ताद जी, अरे अरे क्या हो रहा है तुम लोग को? अरे तुम लोग क्या गंदी बात हो तुम करते, 50,000 लोग कौन सुनेगा 50,000 लोगों में? मैं एक बार बचपन में गुम हो गया ना मेले में, चिंता चिल्लाता रहा, किसी ने मेरी एक नहीं सुनी, 50,000 लोगों में जाएंगे। अरे लेकिन इधर सुनेंगे और नहीं सुनेंगे ना, कनपट्टी पे गन रख के सुनाएंगे, हम लोग टिकट शो रखेंगे। टिकट शो? हम नहीं ऐसे शो पे जाते, हम कलाकार हैं, टिकट लेके अपना शो करेंगे। अरे चच्चा क्या करूं तुम्हारा, टिकट तुमको नहीं लेनी, तुमको गाना गाना है, उधर पब्लिक टिकट लेगी। ये शो फ्लॉप कराएगा उस्ताद जी, इनका आजकल पब्लिक नहीं आती। मैं इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। देखो मेरी बात सुनो, शो कामयाब कराना ना, एंट्री फ्री रखो, ऑडियंस भर भर के आएगी, एग्जिट का 1,000 रुपए रखो। और सुनो इधर हाँ। एक बात का ध्यान रखना हाँ। कोई पब्लिक डिस्टर्ब ना करने पाए। डिस्टर्ब ना करने पाए? पिछली बार उस्ताद जी ने भी मुखड़ा शुरू किया था, उन्होंने सारा मुखड़ा खराब कर दिया कि नहीं? इतना बड़ा 5 लीटर का मुक्का उस्ताद जी के मुखड़े पे मारा। अब पता है उस्ताद जी के सारे दांत इधर चले गए, इधर से पोपले हैं, उस तरफ से 2 रोटियां एक साथ खा लेते हैं। अरे सुनो हाँ। खाने से याद आया, पेमेंट क्या दोगे? पेमेंट देखो, हम लोग का जो बजट है ना, वो बजट थोड़ा कम है। कम बजट? हाँ कम बजट है, तो हम लोग खाली तुम लोग को इस शो का 5 लाख रुपए देंगे। अरे इसको 5 लाख सुन के फिर दौड़ा पड़ गया क्या उस्ताद जी? कैसा चेला रखे ले तुमने? अरे क्या हो रहा है, कैसे लोग है? अरे तुम लोगों से मेरे को शो नहीं करवाना है। नहीं 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 नहीं, हमको शो करना है, हमको शो करना है उस्ताद जी, संभालिए अपने आप को, हमें शो करना है। ये मार के छोड़ेगा हमको। पहले मेरे को सुनना पड़ेगा, क्योंकि तुम लोग बार बार गिर जा रहे हो, लफड़ा हो जाएगा। पहले तो एक बात बताओ, तुम लोग की जुगलबंदी राग भी तुमको आता है? जुगलबंदी क्या, हमारी तो कच्चा गंजी सब मशहूर है। आइए उस्ताद जी, आइए आइए। देखो उस्ताद जी लेफ्टी है, मैं राइटी हूँ। हाँ जी, इस बच्चे का एक बात मैं बता दूं, बेसुरा चाहे कितना भी हो जाए हाँ। लेकिन ताल में पक्का है। ठीक है उस्ताद जी, प्रोग्राम शुरू करे। तेरी दीद इबादत मेरी करनी है, मैं पूजा तेरी नाना राम। ओ नित खैर मंगा, नित खैर मंगा, ओ नित खैर मंगा सोने आ, मैं तेरी दुआ ना कोई और मंग दी, नित खैर मंग। जूता सुनगा ये उस्ताद जी को, क्या कर रहे हो आप? तू शुरू कर देते, पहले मुझे साफ करने दे। साफ करो फिर। अब हाँ हाँ जी, हाँ जी। तेरी दीद इबादत मेरी, ओ नित खैर मंगा, नित खैर मंगा, ओ नित खैर मंगा सोने आ, मैं तेरी दुआ ना कोई होर मंग दी, तेरे पैरां च अखीर होवे मेरी, ओ तेरे पैरां च अखीर होवे मेरी दुआ ना। ताजी यार मुझे तैयारी तो करने दे, पहले तो गाने। 2 सेकंड रुक जाओ, गाना खत्म ही हो गया। क्या कर रहे हैं आप उस्ताद जी? दो बार बेइज्जती करा दी आपने मेरी। तू भी तो मेरी बेइज्जती करा रहा, मैं तेरा उस्ताद हूं, क्लासिकल गा, चुपके चुपके रात दिन सुबहाना यार रूपक ताल में, ये नहीं मेरे से पंजाबी बजता। गजल गाऊं? हाँ जी।
मंदाज अपने देखते हैं। वाह, ढोलक का मजा आ गया। आईने में वो और ये भी देखते हैं, कोई देखता ना हो। चुपके चुपके जब भी गजल गाओ तो ऐसा जो ढोलक बजाए उसको उठ के थप्पड़ मारो। जो ऐसे बजाए ना, चुपके चुपके रात दिन, ये ए होता है। एक मिनट, ये क्या मतलब हुआ? वाह वाह करने तो मुंह से करो, ये गोली क्यों चला रहे हो उस्ताजी? अरे टेंशन लेनी, जाओ पजामा बदल के आओ। तेरे को डर नहीं लगता? अरे मैंने बड़े देखे लाइव शो, ऐसे पंगे होते रहते हैं, इसलिए मैं डायपर पहन के आता हूँ। अबे आज तक कोई ऐसा डायपर नहीं बनेला है जो टकला सलीम की गोली रोक ले, समझा? सीधा डायरेक्ट डायपर पे गोली मारूंगा। तेरे को शर्म नहीं आती बच्चों की प्रॉपर्टी पे गोली मारता है? देखो मेरे को ये सब नहीं सुनेगा, आजकल के जमाने के हिसाब से सुनाओ तुम लोग, मुन्नी शीला फेविकोल टाइप से कुछ। तो पहले बताओ आप गंदे इंसान हो, आ जा बेटा। अरे उस्ताजी इधर आ, अपनी जगह भी आओ। हाँ जी वाह, प्लीज वैसे थोड़ा स्टैंड नहीं तो आप जरा वैसे ही रहना, ऐसे बजाना नहीं। आपकी नजर, आपका चहेता गाना, मेरी फोटो को सीने से तू लगा ले सैया फेविकोल से, मेरी फोटो को सीने से तू लगा ले सैया फेविकोल से, मैं कब से तैयार खड़ी पटा ले सैया फेविकोल से, फेविकोल Fabico 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 Fabicol, 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 फेविकोल का गाना गाया था, चिपके नहीं। देखो मेरे को ना, अभी तुम लोगों ने एकदम गरम गरम कर दिया, मेरे को मन्ना डे का गाना सुनाओ। मन्ना डे ठंडा ठंडा। साजी आप सुनाओ, आप बुड्ढे हैं। सलमान खान से सलमान खान की वेट करेगा तू, बूढ़ा हो जाएगा। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे वादे हैं वादों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों, तुम लोगों का दर्द मुझसे देखा नहीं जाता। ए, तुम लोग मेरा शो करोगे, ये लो एडवांस। कितना? ये पूरे मैंने 5 लाख बोला था, 10 लाख रखो, 10 लाख। ए, ए, इसको फिर दोहरा पड़ गया क्या उस्ताजी? कैसा है, कैसा है? अरे क्या करूंगा उस्ताजी। सोहेल आप
भले सलमान खान के साथ नहीं लेकिन कपिल शर्मा के साथ अपनी पिक्चर जरूर बनाइएगा, वरना ये गाना गा गा कर आपको रुलाते रहेंगे इसी तरह। वैसे सुखी हड्डी तेरी इतनी लगती ना तेरे हाथ। तो जजेस, जो कमाल का कॉम्बिनेशन हमने देखा कॉमेडी और सिंगिंग का, उसके बारे में हमारे जजेस क्या कहेंगे? अर्चना, अपार्ट फ्रॉम बीइंग टैलेंटेड एक्टर, सुदेश आप और कपिल इतने बढ़िया गायक हो और म्यूजिक का इतना ज्ञान है आप दोनों को, इट इज सच अ प्लेजर कपिल आपकी कॉमेडी यहाँ पर देखकर, लेकिन टुडे उस प्लेजर में चार चांद लग गए बिकॉज आपने गाया भी इतना बखू, देन उस गाने में आपने, हाँ यस कपिल आपने बहुत अच्छा ढोल भी बजाया। आई एम सो अमेज कि एक कलाकार गा सकता है, कॉमेडी कर सकता है और ये इंस्ट्रूमेंट भी बजा सकते हैं। It is something that you must be feeling very proud of. I am very proud ki is manch par hum log ye sab production dekhte hain. Such a treat to see both of you together. And Mubeen, you were very good. Thank you, ma'am. Thank you, Archana. Sohail. Exactly what ma'am said, that you, that aap log comedians nahi hain, aap log kalakar hain. With fabulous comic timing, aap dono ki jo awaaz hai, वो भी बहुत ही सुंदर और मधुर है। ओवरऑल अगर मैं इस एक्ट को जज करूँ तो आई विल से इट्स अ वेरी इंटरटेनिंग एक्ट, कॉमेडी एक तरफ लेकिन एज जजेस एज ऑडियंस इट इज हाईली एंटरटेनिंग। थैंक यू सोहेल भाई, थैंक यू सर। तो जजेस आप इस परफॉर्मेंस को कितने पॉइंट्स देंगे? सोहेल 9 पॉइंट्स। अर्चना, एज एन एक्ट आई थिंक इट डिजर्व्स अ 9, बट आई थिंक कि जो आप दोनों ने किया वो यूनिक है, तो आई एम गोना गो विद अ 10। थैंक यू। 10 पॉइंट्स फ्रॉम अर्चना। आज यहाँ आएंगे एकदम लेटेस्ट ब्रांड न्यू मेड इन कॉमेडी सर्कस करण अर्जुन, सो प्लीज वेलकम आवर गेस्ट तिकड़ी परेश अस्करण, राजीव ठाकुर एज अर्जुन एंड सुगंधा एज वेरियस कैरेक्टर्स। कोई नहीं बचना चाहिए, मार डालो दोनों को। भाग करण भाग, भाग अर्जुन भाग। अर्जुन करण, क्या हो गया मेरे भाई? अरे इस दुर्जन ने मुझे तलवारें मारी। ठाकुर तो गियो। अबे ये मुंशी का गंदा डायलॉग तू क्यों बोल रहा बे? अबे डायलॉग किसका भी हो, ये देख के हंसी आ रही कि नहीं? क्यों सोहेल भाई, ठाकुर तो गियो। अबे ये गंदी लाइन किस राइटर ने दी है इसको बे? अभी ठाकुर ढंग से आया भी नहीं और ठाकुर तो गियो। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ दुर्जन ने तुझे भी मारा है। अबे मैं मर रहा हूं तो क्या हुआ? अरे सुकून तो है, जाते जाते मैंने दो फिल्में ऐसी की जिसने 100 करोड़ से भी ज्यादा बिजनेस किया, राउडी राठौड़ और बोल बच्चन। अबे तूने तो यार पंजाबी फिल्म भी नहीं की अभी तक। अबे बहुत प्रैक्टिस कर रहा हूं मैं, इस बार पंजाबी फिल्म मिलेगी मिलेगी मुझे। डायरेक्ट हीरो बनूंगा, डायरेक्ट पंजाबी फिल्म का हीरो। दुर्जन अभी तक मैं मरा नहीं हूं, और एक गोली मार दे। अर्जुन करो, ये अन्याय मेरे साथ क्यों क्यों? तो सिर्फ बिरयानी लाया और पौवा लाया ही नहीं। अर्चना हाँ। तुम क्या देख रही हो? मुझे आज भी याद है वो दिन कि करण अर्जुन के लिए आइटम नंबर के लिए डायरेक्टर ने इसे फाइनल किया था, और जैसे ये कॉस्ट्यूम पहनकर सेट पर आई तो दुर्जन इसे देखकर डर गया और गाने लग गया। अरे मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। जाना मैं सुगंधा गुलजार, आज मैं अपना फेवरेट डायलॉग नहीं बोलूंगी। क्या कि मेरे कारण अर्जुन आएंगे? नहीं बोलूंगी मैं, क्योंकि मेरे कारण अर्जुन आएंगे, आपकी कुर्सी के टांगे तोड़ने आएंगे, ऑडियंस को हंसाने आएंगे। मेरे कारण अर्जुन पक्का।
तेरी ये चटकदार बिरयानियां, तेरे ये इंग्लिश कमेंट की गुस्ताखियां, तेरा चप्पल पहन के पार्टियों में आना नहीं भूलूंगा मैं, जब तक हूं गेस्ट, जब तक हूं गेस्ट। क्या बात, मैंने कहा था ना मेरे करण अर्जुन पकाएंगे, पकाएंगे, पकाएंगे। चुप कर। और ये बता कि अर्जुन कहाँ है? अर्जुन जो मैं बोलता हूँ वो मैं खाता हूँ, और जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली खाता हूँ। बेटे थप्पड़ खाएगा सलमान के गटअप में? अक्षय का डायलॉग क्यों बोल रहा है? अबे तो जो मुझे फिल्म में लेगा उसी के डायलॉग बोलूंगा ना। सलमान भाई ने मुझे नहीं लिया था एक था टाइगर में। किरण किरण दिमाग खराब हो गया, यहाँ शाहरुख का कोई रिश्तेदार नहीं, इसलिए मैं जो मर्जी करूँ। सामने सोहेल भाई बैठे हैं, उनसे बिना पूछे तो इतना सा सलमान बन के आ गया। अबे वो जो अखरोट खाते वो भी तुझसे बड़ा होता है, समझा? दूं क्या, दूं क्या, दूं क्या? और एक हिट फिल्म दूं क्या, दूं क्या, दूं? अरे नास पीटो, आपस में क्यों लड़ रहे हो? क्यों मैंने तुम्हें इस दिन के लिए 20 साल तक इंतजार करके बुलाया? 20 साल इंतजार किया तुमने माँ? इस 20 साल में तुमने क्या किया, क्या किया, क्या किया? इन 20 सालों में मैंने बहुत कुछ किया। सिंगिंग रियलिटी शो में पार्टिसिपेट किया। हुजूर तुमको आए, बस कॉमेडी शो में कॉमेडी करने की कोशिश की, और वो भी नहीं हो तो मैंने मिमिक्री सीखी, मिमिक्री। अरे माँ तुम्हारा मिमिक्री करने को दिल कर रहा है तो कर लेना, उसके लिए इतनी कहानियां क्यों बना रही हो? सीरियसली पक्का? ओह माय गॉड, ओके वन सेकंड। अच्छा सुनो, लिसन लिसन, अरे जब तक है जानकी कैटरीना का करो पक्का, ओके। सांस में तेरी सांस रुकी तो Oh well, you know, I'm very intelligent actually. जब मैं सलमान के साथ होती हूँ तो I always think about सलमान, और जब मैं शाहरुख के साथ होती हूँ then still I'm with सलमान, you know, I'm very intelligent. Once again, I'm learning Hindi also. से अनार, और से apple and और से mango. I'm very smart, you know. I'm very smart. मिमिक्री करने के लिए इतनी भूमिका क्यों बना रही हो? अरे यार भूमिका की भी आती, प्लीज कर दू, प्लीज एक मिनट, वन सेकेंड। जीवन अपना सारा सनम राधे, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ राधे, बहुत प्यार करती हूँ राधे। और एक हिट फिल्म दूं क्या? अरे तुम दोनों क्या गंदी मिमिक्री करके यहाँ पर समय खराब कर रहे हो, और तुम 70 साल की उम्र में आके कैसी हरकतें कर रही है जरा? अरे तेरी उम्र की स्त्रियां यहाँ पर अपनी झुरियों पे स्त्रियां फिर वाके एंकरिंग कर रही हैं, और तू हमें किसी एंकरिंग शो में जाकर एंकर बन जाओ, टैलेंट दिखा अपना, समझी? क्या टैलेंट दिखाऊं? अरे जवान होती तो जवानी के दो चार जलवे भी दिखा देती, अब 70 साल का 70 वोल्ट का बल्ब जलेगा भी तो कितनी रोशनी देगा? ये छोड़, दुर्जन से बदला ले, दुर्जन से। अरे लेकिन पहले बता तो सही, ये दुर्जन ने किया क्या है माँ? हाँ माँ बता, बता क्या किया है, क्या किया है दुर्जन ने? बोल ना, बोल बोल बा, बोल। एक बार की बात है, बहुत तेज बारिश हो रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, फिर मैंने रेन डांस शुरू कर दिया। इतने में दुर्जन आया, मुझे गोद उठाया और हवेली ले गया। मैं इतना चिल्लाई, इतना रोई कि छोड़ दे, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी और कुंडे लगा के चला गया। एक कपला नारी को अकेला छोड़ के बदला ले बेटा, बदला ले। अरे मैं तो उसका खून पी जाऊंगा, खून पी जाऊंगा। माँ बता कौन है दुर्जन? बहुत जोर से बदला है माँ, बता माँ, बता। बेटा इधर आ, बता माँ। वो रहा दुर्जन, दूं क्या, दूं क्या?
ए माँ, ये दुर्जन नहीं पूरा एक दर्जन है। सॉरी माँ। अरे माँ, मैं बता लूंगा दुर्जन से, बता कौन है दुर्जन। बेटा इसने गलत समझा है, एक्चुअली दुर्जन जो उसके साथ बैठा असली वो है। लगी ना स्पीड ब्रेकर पे है ब्रेक। अरे इससे बदला नहीं, इससे तो माफी मांगनी चाहिए। हाँ, अरे ये तो एक एपिसोड के लिए आई है, हमारा बेड़ा गर्क करेगी। माँ एक बार मरवा के तुझे सबर नहीं आया, दूसरी बार भी मरवा रही है। अरे अब तक 70 में घूम रही है, हम तो मॉडर्न में आ गए। अच्छा मॉडर्न यानी कि तुझे 21वीं सदी की बेवड़ी देखनी है। अरे ये हमारी माँ के मुँह को क्या हो गया, ऐसे लग रहा है किसी ने आम चूस कर गुठली फेंक दी। हाँ क्या हुआ? What did you say? Now shut up! What did you copy of the video? I made it. I did it. I did it. I did it. I did it. Get out of my head, girl! क्या बोली अब मैं? You all for shut up, okay? Okay. मैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बहुत बड़ी सुपरस्टार हूँ। हिंदी फिल्म? अरे ये कैसी है? चाइनीज बोल के इसने कैसे हिंदी फिल्मों में काम किया? कोई बताओ तो सही मुझे। हाँ? You both of you just shut up, okay? खूब जमे का रख जमे बैठे के हम तीन क्या? मैं, अर्चु और रानी। लेकिन रानी तो पीती नहीं है माँ, तुम्हारे साथ बैठ के क्या करेगी वो, क्या करेगी? तो घर पे भी बैठ के क्या करे है? यहाँ पे आएगी तो कम से कम हमारे लिए खाना पैक तो बनाया गया। अच्छा राइट। हाँ अरे हमने तो अपनी बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में भेजी थी, ये तो बिल्डिंग ही खराब हो गई। तो भाई दू क्या? Yes. एक और हिट। हाँ कुछ और चेंज नहीं हो सकते माँ? वन सेकेंड, ऐसे करते हैं बच्चों को ही चेंज कर देते हैं। ओके यस, आप मेरे करण अर्जुन जाएंगे, धरती के सीने के अंदर जाएंगे। और तू ए दू क्या, दू क्या? योर विश। आप सोच रहे होंगे कि करण अर्जुन तो मर गए, अब दुर्जन को कौन मारेगा? तो मैंने और भी फिल्में की हैं, मेरे राम लखन आएंगे, 1, 2 का 4 करने आएंगे, आएंगे। अबे कब तक 1, 2 का 4? कभी तो बोल के 1, 2 का 10 करने आएंगे। आप ही मांगिए कमेंट्स हमारे जजेस से। अबे देना देना। मैं दू गया। सुहेल आपसे शुरू करते हैं। एज एन एक्ट आप लोग सब ने आपके जो पार्ट से इंडिविजुअली brilliantly perform किए। As a script, मुझे लगा कि script थोड़ा सा बिखरा हुआ था, लेकिन you all did a brilliant job. Thank you. Thank you, Sohail. अर्चना, जब UK में राखी हुई ही वो जो इतना था, अभी मतलब इतने सीनियर आर्टिस्ट हैं, जब हम उनको स्पूफ करते हैं तो एक डर सा रहता है, लेकिन आप बहुत क्यूट राखी बनती हैं और लवली टू हैव यू गाइज ओवर हियर। बट आई एम श्योर आप लोग उतना ही इंजॉय कर रहे हैं जितना दिख रहा था, और इसीलिए हम लोगों ने भी इंजॉय किया। थैंक यू अर्चना। हमारी आज की गेस्ट तिकड़ी परेश, राजीव और सुगंधा के लिए जोरदार तालियां। अपनी बेटी की हरकतों से परेशान एक माँ ने दे दी है उसे सुधरने की आज्ञा, तो बेटी ने भी ले ली है एक अजीबोगरीब प्रतिज्ञा। क्या है ये प्रतिज्ञा, चलिए देखते हैं। लाफ्टर की हेरा फेरी करने पहली बार एक साथ आ रही हैं भारती एज माँ, पूर्वी एज बेटी एंड किकू एज अ क्लासिकल डांसर। बस कर, हाय राम करती गंदे काम, तेरी वजह से मैं हो गई बदनाम। समझ जिसको अंबिया निकली वो पूरा आम, समझी? अरे 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 अरे, नहीं माँ मुझे मत मारो, नहीं माँ मुझे मत मारो, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं जो बोलूं वही सही है, ओ सही है, ओ सही है। चुप माँ, सबके सामने मुझे ताने देती हो, इंसल्ट करती हो, मैं भी तो कह सकती हूँ कि लोग कहते हैं कि मैं तुम्हारी लड़की नहीं लगती। क्यों? सब कहते हैं कि देखो देखो चाइनीज के ठेले पर ढोकला बिक रहा है, ढोकला। अरे तो उनको जवाब भी दिया करना कि चाइनीज के ठेले पे कभी कभी गुजराती भी आते थे। छे सूचे, छे रोशगुल्ला, छे कुछ चीजें करनी पड़ती है। हाँ हाँ माँ, यहाँ पे सबको पता है कि तुम्हारा नेटवर्क हर स्टेट में है, समझी? चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता। ये स्टेप स्टेप मेरे सामने मत किया कर, सारी उम्र मैंने यही स्टेप किए, लेकिन मेरा एक गलत स्टेप और उसका नतीजा तू है। माँ बस।
सबके सामने गुस्सा करती, सबके सामने कोसा करती, आज तो तूने हद ही कर दी, सबको कहती मैं हूँ तेरी गलती। हाँ गलती ग ग ग ग ग ग ग गलती ग ग ग ग ग ग ग गलती। चुप 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 मेरी बात कान खोल के सुन ले, शादी करके ही मेरे सामने आना वरना मेरा मरा मुंह देखेगी, समझी? कोई बात नहीं माँ, कोई बात नहीं, तुमने मेरी इंसल्ट की है ना, तुम्हें क्या लगता है मुझे दूल्हा नहीं मिल सकता? अरे आज ही अभी मैं शादी करके दिखाऊंगी। नमस्कार, मैं एक कथकली डांसर है। वाओ, तुम डांसर है? अरे वाह, अपने डांस को लेके कितने डेडिकेटेड हो, ऐसे मेकअप लगाए घूमते रहते हो, लवली। क्या हुआ? अरे प्लीज रो मत, क्या हुआ? तुमने मेकअप का याद क्यों दिलाया? क्यों? कई साल पहले मेकअप करवाया था। हाँ? मेकअप आर्टिस्ट ने ऑयल पेंट से मेकअप कर दिया, आज तक नहीं उतरा है। लेकिन इसके मेरे को कई फायदे भी है। मैं कभी सिग्नल पे रुकता नहीं है। Why? क्योंकि अपना ग्रीन में साथ में लेके चलता ही रहा। देखिए मिस्टर कथकली, सालों से मुझे अपने सपनों के राजकुमार का इंतजार था और आपको देख के लगता है कि इंतजार खत्म हुआ। आप डांसर, मैं डांसर, क्यों ना दोनों मिलकर डांस करें? क्या आप मुझसे शादी करोगे? 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 ये क्या था? I am just saying yes. तो क्यों ना आज ही हम कोर्ट में जाके शादी कर ले? ये कौन है बे? ये कथकली डांसर है, हम शादी करने वाले हैं, so we want to register शादी। कथकली? Yeah. पहले इसको बोल नगाड़े से नीचे उतरे। ये हमारा कॉस्ट्यूम भाई। ए कथकली, अपना पूरा नाम बता चल। हाँ। मेरा नाम वेंकटरपति धनराज पिल्ले मारवन आटा पटु सनत जय सूर्य अरविंद डिसिल्वा अर्जुन रान टुंगा श्रीलंका धनराज पिल्ले यद पिल्ले वंदरलंदे स्वामी कुरंदले यल्ल पंडे वंदरलंदी या रोल एलिमेंट देखला। ये सब लोग तेरे से शादी करेंगे? यही तो मेरा पेट नेम है। ये तेरा पेट नेम है? ए भगवान, तो तेरा फुल नेम क्या है? मेरा फुल नेम भाई पिंटू। वाओ, आई लव दैट। हे मैन, शो सम रिस्पेक्ट टू माय पिंटू मैन। पी 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 पी। जल्दी जल्दी होकर आ जा फटाफट। नहीं नहीं, मैं बोल रही हूं पिंटू। तुम लोग का ना ये डांस वाला रोमांस देख के मैं इमोशनल हो गई है। मैं तुमको कुछ पर्सनल बातें बताना चाहती है। मेरा है। ये तो मेरी दादी का टांग है। दादी को नाचने का बहुत शौक था, बहुत। ओए हो, और दादी वेस्टर्न में तो सबकी बाप थी। क्या बात कर रहे? क्या स्प्लिट था दादी का? दिखाओ। दादी पाय लागू। I'm so sorry. अरे एक मिनट, मेरा राजा बेटा इधर था। एक्चुअली मैं शुक्रवार को ऑफिस में ही भूल गई थी, तभी मैं सोचू कि घर में इतना साइलेंस क्यों है। अरे यार ये पागल है, तुम ऐसे कैसे बच्चों को भूल गई? मेड, चुप कर। बच्चे, मम्मा को काम करना है, जासी रोने का नहीं, ठीक है? हाँ तो पिंटू। बच्चे को भूख लगा है, उसको कुछ खाना दो, खाना। मैं तो भूल ही गई थी, एक्चुअली दो दिन से बच्चा भूखा है, इसको दूध पिला दूं मैं। अरे यार रो रहा था, मेरा बेटा, मेरा राजा बेटा, पिंटू पिएगा। क्या क्या कर रही हो तुम? हंस रहे? चला चला, मम्मा को काम करने दे, जासी बोलने का नहीं। हाँ, अच्छा क्या नाम था? पिंटू। ओह गॉड, लेकिन एक मिनट, सॉरी। हाँ मैं इसको ठिकाने लगाती, अभी चूचू नहीं करेगा तू है। मैडम ये क्या कर रही है बच्चे के साथ? अरे ये क्या कर रही है बच्चे के साथ? हंस रहा है अभी भी। मैडम ये बच्चे के साथ ऐसे कोई करता है क्या इंसान की? अरे ऐसे कैसे तू ओवर एक्टिंग कर रही है? बच्चा कौन सा असली है? मैं तो मजाक कर रही थी। मेरे को तो ये फुल पागल लगती, इधर से निकलते। एक मिनट, मैंने सुना
शादी के बाद तुरंत रिसेप्शन कर रहे हो ना? मैं भी जाएगी तुम लोगों के साथ रिसेप्शन पे, लेकिन बिना मेकअप कैसे जाएगी? वन मिनट हाँ, मेरे को मेकअप करने दो, मेरे को लिपस्टिक लगाने दो। ये क्या कर रही है? ये पागल है यार, ये फुल पागल है। अरे मैडम प्लीज यार, नाइस कलर ना। क्या अरे माय गॉड, अब देखो ये फुल पागल। एक मिनट, बिंदी के बिना हर सुहागन अधूरी है। क्या? ओके ओके, थैंक यू मैडम, बहुत मजा आया आपके साथ मिलके। थैंक यू, बाय बाय। किधर देखो, तुम भी क्या? जब तक तुम दोनों के पैर चलेंगे तब तक सांस चलेगी, तुम्हारी नहीं मेरी। तो सुहेल कैसा लगा आपको ये एक्ट? स्पीचलेस। नो, आई हैव टू कॉम्प्लीमेंट Purvi, you dance fabulously. Thank you. This is one thing that it was a part of the act. As looks, as concept, it was a mad act. We all enjoyed ourselves. आप लोग ने आपकी हैसियत से, आप लोग ने आपके टैलेंट से जितना भी जो आपको मौका मिला, आपने जो किया, hats off to that. But unfortunately, ये जो टैलेंट था उसको एक साथ लाना और इसका इस्तेमाल नहीं करना, ये हुआ नहीं. Thank you, Sohail. Archana? High concept, but a case of a good concept gone wrong. Individually, बहुत अच्छे थे आप सब, लेकिन जो ज़्यादा elements का जो मिश्रण करने की कोशिश की गई, उसकी वजह से बिखर गया act. But we still had a smile on our faces, but there was a little too much madness, I felt. Archana, आप इस act को कितने points देंगी? I'll have to go with this. Eight points from Archana. Sohail? I'm going for it. 8 points from Sohail.